मैं साक्षी मिनिस्टर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। कल 2 फरवरी को स्नान हरि गेस्ट हाउस हमीरपुर में सहयोग लखनऊ व समर्थन फाउंडेशन हमीरपुर के द्वारा बदलाव हेतु साझेदारी कार्यक्रम के तहत स्त्री पुरुष बराबरी में पुरुषों की भागीदारी पर जिला संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में फैसिलिटेटर जनक ने बताया कि बदलाव हेतु साझेदारी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के 100 गांवों में करीब 2000 पुरुषों के साथ चलाया जा रहा है। जिले के 20 गांव में कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पुरुषों की साझेदारी के द्वारा महिलाओं के साथ हिंसा को कम करना, ड्रॉप आउट जिसमें खासकर लड़कियों की शिक्षा और कम उम्र में शादी या चाइल्ड मैरिज को रोकना है, तथा जेंडर समानता को। सहयोग लखनऊ से प्रवेश वर्मा ने इस कार्यक्रम के तहत हिंसा व जेंडर के मुद्दों पर किए गए बेसलाइन को साझा करते हुए बताया कि अभी बड़े स्तर पर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है, किंतु महिलाएं उसको किसी न किसी डर या दबाव के चलते दबा ले जाती है। इसी के साथ लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की पढ़ाई भी बीच में छूट जाती है और इन लड़कियों पर परिवार का जल्दी शादी का दबाव रहता है। कई लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है। इसी के साथ यह भी देखने को मिला कि जेंडर मान्यताओं के चलते लड़के व लड़की के बीच भेदभाव रहता है। घर में कामों में पुरुषों की भागीदारी बहुत कम रहती है। बच्चों की देखरेख का काम महिलाओं के द्वारा ही होता है। निर्णय अधिकतर पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं, तथा हिंसा संबंधित कानून के बारे में जागरूकता का स्तर बहुत कम है और जिनको है वह उपयोग नहीं कर पाती। समर्थन फाउंडेशन से देवेंद्र ने बताया कि जिले में लोगों को घरेलू हिंसा कानून के प्रति जानकारी कम है और यदि कोई केस होता है तो महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता, इसलिए जरूरी है कि इस कानून को लेकर पुलिस स्टाफ को ओरिएंट किया जाए। वह महिला की DIR दर्ज कर अस्पताल के स्टाफ महिला का इलाज के साथ उसको सेवा प्रदाता संस्था या प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास भी भेजा जाए और इस कानून के तहत जिले में स्थायी प्रोटेक्शन अधिकारी की नियुक्ति की जाए। इस कार्यक्रम में जिला विधायक सेवा प्राधिकरण के सचिव विष्णु देव सिंह ने कहा कि समय आ गया है कि पुरुष न्याय के लिए आगे आए और महिलाओं को जरूरत पड़े तो कानून का सहारा ले। सीनियर पत्रकार SP शुक्ला ने कहा कि महिलाओं के विकास में सभी को सहयोग देना होगा, उनके साथ हो रहे भेदभाव को रोकना होगा। जागृति बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र वीर सिंह चौहान ने घरेलू हिंसा कानून के बारे में विस्तृत रूप से बताया और महिलाओं को पूरी तरह से मदद देने का भरोसा दिया। ICDS से CDPO सुमन जी ने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम का संचालन जलीस खान के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में कुरारा ब्लॉक के 20 गांव से करीब 150 एनिमेटर समूह सदस्य व महिलाएं उपस्थित रहे, तथा लोगों ने बदलाव के अनुभव भी साझा किए। ग्रामीण अंचलों में मैंने देखा तो जो लोग सुबह से नाश्ता करके हम लोग जाते थे और शाम को वापस घर आते थे, घर के काम किसी भी काम से कोई मतलब नहीं, कोई लेने देने नहीं, निकल गए, कोई धुआं फेंक रहा, कोई शराब पी रहा है, अपने मौज मस्ती में मगन है, घर के काम से कोई भी मतलब नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। जब से ये मोमेंट ज्वाइन की हम लोगों ने तो बदलाव ये हुआ कि ये
जी प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।